हाय गाइस, और मैं हूँ आपका रोहित और आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में। और इस टाइम मैं हूँ बीरभूम के एक पॉपुलर ऑर्बिट प्लेस में जिसका नाम है बक्केश्वर डैम। और अभी जितना यूनिक इस डैम का नाम लग रहा है आप लोगों को, उतना ही यूनिक ये प्लेस भी है। तो बने रहिए इस ब्लॉग के साथ और देखते रहिए पूरा वीडियो को। आज है वीकेंड और निकल चुके हैं रोड ट्रिप के लिए। अभी हम लोग पेट्रोल भराने के लिए आ चुके हैं, गाड़ी हम लोग का फुल हो रहा है। चलिए गाइस, इस ट्रिप के बारे में थोड़ा बता देते हैं आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोगों ने कहीं निकला नहीं था लॉकडाउन के वजह से, और अभी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन भी फ्री हुआ है तो सोचे कहीं चलते हैं साथ। और वीकेंड भी है आज और मेरे भाई का बर्थडे भी है, तो इसी बहाने घूमना भी हो जाएगा और थोड़ा फन भी हो जाएगा। और जैसे कि देख पा रहे हो बाहर का मौसम भी थोड़ा बारिश वाला है, इस वेदर में रोड ट्रिप करने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो बने रहिए इस ब्लॉग के साथ क्योंकि ये डैम काफ़ी अच्छा है। और ये है अजय नदी का ब्रिज। एक्चुअली ये भी एक स्पॉट है घूमने का, और यहाँ पे भी लोग आते हैं पिकनिक करने के लिए, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ हैंग आउट करने के लिए भी। जस्ट अभी हम लोग फ्रेश होने के लिए उतरे हैं और यहाँ का व्यू काफ़ी सुंदर सा लग रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो सोचे कि इस मौसम का ही मज़ा क्यों ना ले। कैसा लग रहा है भाई? जो वेदर है गजब गजब वेदर है भाई। रोड ट्रिप कैसा लग रहा है भाई? एकदम भाई, एकदम भाई। और गाइस हम लोग बीरभूम एंटर कर चुके हैं। ये पूरा ऑर्बिट प्लेस है, ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं है ये जगह। और भाई लोग काफ़ी सही जगह है फ्रेंड के साथ हैंग आउट करने के लिए, क्योंकि इसका आसपास का जो व्यू दिख रहा है वो ऑसम है। ये हम लोग बक्केश्वर डैम आ चुके हैं और ये लगभग मेरे घर से 30-40 किलोमीटर ही है, तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ का एक बार व्यू देख लो गाइस। आज का रोड ट्रिप एक भाई के नाम है जो सिंह भाई है हमारे, उसके आज बर्थडे है, तो वी सिम हैप्पी बर्थडे मन जाए। यहाँ कैसा लग रहा है? एकदम मस्त, वेदर इज टू ब्यूटीफुल। एक्चुअली जिस फ्रेंड का बर्थडे है उसे पता नहीं है कि हम लोग उसे सरप्राइज देने वाले हैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करके, और केक गाड़ी के डिक्की में रखा हुआ है। बट उससे पहले थोड़ा डैम दिखा देते हैं आप लोगों को। जो व्यू है यहाँ से काफी सुंदर है, आप जैसे देख पा रहे हो। इस डैम के ऊपर आने के बाद ये व्यू और भी काफ़ी सुंदर सा लग रहा है। चलिए इस डैम के बारे में जान लेते हैं। ये बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का वाटर रिजर्वर है जो बनकर रेडी हुआ था 2000 साल में, और इसका नाम रखा गया बक्केश्वर थर्मल पावर प्लांट। यहाँ मेरी कुछ लोगों से बात हुई, वो लोग कहते हैं कि बारिश के समय जब ये पानी भर आता है इस डैम में तो ये डैम खोल दिया जाता है थोड़ा पानी रिलीज़ करने के लिए। गाइज ये जगह बहुत ही पीसफुल सा है, आओ अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ कुछ देर यहाँ स्पेंड करो, अच्छा लगेगा आप लोगों को। और ये डैम हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, आप लोग को कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो अब चलते हैं फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने। पूरा कवर हो जाए भाई। गॉड ब्लेस यू ब्रो। लोकेशन है काफी सुंदर है, काफी सुंदर है जैसे कि आप देख पा रहे हो। आप यहाँ आ सकते हो फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप के साथ, फैमिली के साथ इस डैम पे, और पार्टी करो, इस डैम को एक्सप्लोर करो और भी अच्छे तरीके से। बड़ी बात है, हम लोग दोस्त जहाँ पे हैं वहाँ पे एंजॉयमेंट हो रही है। सबसे बड़ी बात, प्लीज सब्सक्राइब टू हिज चैनल, ही इज मेकिंग सो मच ऑफ एफर्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू रोमिंग इंडिया। थैंक्स बड़ी।
इस डैम के नीचे एक छोटा सा पार्क भी बना हुआ है, बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, तो चलिए वो देख लेते हैं। और नाइस ही पेंटिंग है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये एक खाली सा घर है और इसके वॉल पे हॉन्टेड सा पेंटिंग बनाया गया है और दिखने में भी अच्छा सा लग रहा है। और गाइज, आज का ब्लॉग यहीं तक के लिए। अगर आपको ये ब्लॉग देख के अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।